हेलो बच्चों, बीए फाइनल सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बीए फाइनल सोशियोलॉजी में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र। पिछली क्लास में हमने जाति व्यवस्था में आ रहे परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे वर्ग संरचना के बदलते आयाम या वर्ग के परिवर्तित पहलू। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, मैंने वर्ग आपको पहले पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ेंगे वर्ग व्यवस्था में या वर्ग संरचना के बदलते आयाम के बारे में। तो आइए बच्चों हम पढ़ते हैं। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, ठीक उसी प्रकार से वर्तमान समय में वर्ग संरचना में भी अनेक परिवर्तन आ रहे हैं। इसका भी कारण औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, प्रजातांत्रिक व्यवस्था, राजनीतिक चेतना, ये हम मान सकते हैं। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि गांवों में जो पहले वर्ग पाए जाते थे, वो मालिक, जमींदार और साहूकार वर्ग पाए जाते थे। किसान वर्ग होता था, मजदूर और श्रमिक वर्ग पाया जाता था। लेकिन औद्योगिकीकरण, नगरीकरण और पश्चिमीकरण तथा नवीन शासन व्यवस्था के कारण वर्ग संरचना में भी समय और परिस्थिति के अनुसार बदलाव आए और वर्तमान समय में तीन नवीन वर्गों का उदय हुआ, जैसे कि उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग क्या है? वर्ग व्यवस्था में इस वर्ग का स्थान सबसे उच्च माना जाता है। इनकी सदस्य संख्या बहुत कम होती है, किंतु यह वर्ग बहुत अधिक संपन्न होने के कारण विलासिता की वस्तुओं का उपयोग करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि भौतिक रूप से संपन्न होता है। उच्च वर्ग के पास ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, उद्योग, कारखाने हैं। यानी कि उच्च वर्ग के लोग ही उद्योगों और कारखानों के मालिक हैं। इनमें औपचारिकता, शिष्टाचार और विनम्रता पाई जाती है, लेकिन इस वर्ग में दिखावा अधिक होता है और फिजूल खर्ची भी अधिक करते हैं ये लोग। आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टियों से उच्च वर्ग बहुत ही शक्तिशाली है और देश की आय का एक बहुत बड़ा भाग इसी वर्ग के पास में है। वैज्ञानिक आविष्कारों का सबसे अधिक लाभ भी कहा जाए तो इसी वर्ग ने उठाया है। फिर नेक्स्ट है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग के लोगों में डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, व्यापारी है, किसान और विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले व्यक्ति आदि लोग आते हैं। इस वर्ग के ऊपरी हिस्से के लोग उच्च वर्ग के नज़दीक होते हैं, जबकि निम्न हिस्से के लोग निम्न वर्ग के समीप होते हैं।
मध्यम वर्ग के सभी सदस्यों में कई बातों को लेकर के मतभेद भी पाया जाता है, लेकिन फिर भी इस वर्ग के में सामान्य विशेषताएं भी पाई जाती है। जैसे कि मध्यम वर्ग का उत्पादन के साधनों पर अधिकार कम होता है, शारीरिक श्रम के प्रति इस वर्ग में उदासीनता पाई जाती है तथा प्रतियोगिता की भावना इस वर्ग में अधिक पाई जाती है। सामाजिक, धार्मिक और नैतिक नियमों के प्रति भी इनका विशेष रूप से लगाव होता है और इस वर्ग के लोग यानी कि मध्यम वर्ग के लोग परंपराओं और रूढ़ियों से बंधे हुए होते हैं। फिर नेक्स्ट है श्रमिक वर्ग। समाज में इस वर्ग का स्थान सबसे नीचा माना जाता है। इस वर्ग में मजदूरी करने वाले फैक्ट्रियों, उद्योगों, खानों, मशीनों आदि पर काम करने वाले श्रमिक आते हैं, जो शारीरिक श्रम के आधार पर जीवन यापन करते हैं, यानी अपना श्रम बेच करके और अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। निम्न वर्ग भी रूढ़िवादी और धर्म में विश्वास करने वाला होता है। इस वर्ग के अधिकतर व्यक्ति अशिक्षित होते हैं। व्यक्तिगत विघटन, शराब प्रति और पारिवारिक संघर्ष सबसे अधिक निम्न वर्ग में ही या श्रमिक वर्ग में ही पाया जाता है। इनकी आय भी बहुत कम होती है, यानी आर्थिक स्थिति भी बहुत निम्न होती है और अपनी आय का अधिकांश भाग जीवन की आवश्यकताओं को जुटाने में ही यह वर्ग खर्च कर देता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो ग्रामीण और नगरीय समाजों में बहुत से अनेक वर्ग भी वर्तमान समय में दिखाई देते हैं, जैसे कि बुद्धिजीवी वर्ग है, शासक वर्ग है, नौकरशाही वर्ग है, औद्योगिकरण और नगरीकरण आने के कारण पूंजीपति वर्ग और सरवारा वर्ग का भी उदय हुआ है ना। तो बच्चों आप देखते हैं कि वर्तमान समय में वर्ग व्यवस्था में भी बहुत सी परिवर्तन आ रहे हैं। बुद्धिजीवी वर्ग क्या है? बुद्धिजीवी वर्ग भारत में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ग है, यानी कि प्रबल वर्ग है। इस वर्ग का उदय अंग्रेजों के समय में हुआ था। यह वर्ग पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित है तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों में और विज्ञान में विश्वास करता है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का मतलब स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे में बुद्धिजीवी वर्ग विश्वास करता है। इस वर्ग को जन्म देने में अनेक समाज सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, जैसे कि राजा राम मोहन राय है, ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, प्रार्थना समाज एवं आर्य समाज आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय समाज में व्याप्त अनेक बुराइयां, जैसे कि जाति प्रथा है, छुआछूत है, बाल विवाह है, विधवा पुनर्विवाह का अभाव, सती प्रथा, मूर्ति पूजा, पाखंड, अंधविश्वास आदि को दूर करने के लिए करने में और भारतीयों को वैज्ञानिक तथ्यों से परिचित कराने का श्रेय समाज के इसी बुद्धिजीवी वर्ग को
है, बुद्धिजीवी वर्ग में हम किस किस को मानेंगे? जैसे कि प्रोफेसर्स हैं, शिक्षक हैं, वैज्ञानिक हैं, वकील हैं, न्यायाधीश, पत्रकार, साहित्यकार, है ना, दार्शनिक, विचारक, समाज सुधारक आदि लोगों को हम बुद्धिजीवी वर्ग में गिनते हैं। इसी वर्ग ने भारत में आज़ादी की लड़ाई लड़ने एवं देश में राजनीतिक जागृति लाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर नेक्स्ट है शासक वर्ग। शासक वर्ग के अंतर्गत शासन से संबंधित वो सभी लोग आते हैं जो कि सत्ता में रहे हैं और सरकार का गठन करते हैं। आज़ादी के बाद भारत में प्रजातंत्र की स्थापना हुई और इसमें राजनीतिक दलों द्वारा शासन किया जाता है। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार बनाते हैं। भारत में कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके सदस्य चुनाव जीतकर संसद और विधानसभाओं में पहुंचते रहे हैं और देश के विकास की नीतियां तय कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार से वर्तमान समय में शासक वर्ग भी एक नया वर्ग बना है। फिर है नौकरशाही वर्ग। नौकरशाही वर्ग का मतलब है शासन और सरकार से संबंधित सभी कर्मचारी नौकरशाही वर्ग का निर्माण करते हैं। ये लोग संगठित होते हैं और इन्होंने अपनी मांगों को मनवाने के लिए या अपने हितों और अधिकारों की पूर्ति के लिए विभिन्न यूनियनें भी या संगठन भी बना रखे हैं। मैक्स वेबर ने नौकरशाही की अनेक विशेषताओं का उल्लेख किया है। वो सारी विशेषताएं इस वर्ग पर भी लागू होती है। इस वर्ग में भी संस्तरण की एक सुस्पष्ट विशेषता पाई जाती है। केंद्रीय स्तर से लेकर के ग्रामीण स्तर तक नौकरशाही की एक श्रृंखला होती है जो शासन संचालन में योग देती है। फिर नेक्स्ट है पूंजीपति वर्ग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि औद्योगिकीकरण के कारण एक नवीन वर्ग का उदय हुआ है, वो है पूंजीपति वर्ग। यह वर्ग अधिकतर नगरों में ही केंद्रित होता है और इसी वर्ग के पास में बड़े बड़े कारखाने, उद्योग, खाने, मीलें होती हैं। सारे देश की अर्थव्यवस्था के संचालन में पूंजीपति वर्ग का बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ है और इसी वर्ग के पास काला धन भी बहुत है। इस धन का उपयोग ये वर्ग के लोग या ये वर्ग चुनाव में एवं सत्ता पक्ष को अपने पक्ष में करने के लिए भी खर्च करते हैं और अपने पैसों के बल पर सरकार से इस प्रकार के कानून बनवाने और नीति निर्धारण करने में सफल हो जाते हैं जो कि इनके हित में हो। टाटा, बिरला, बांगड़, डालमिया, साहू, दुग्गड़, मोदी आदि कुछ ऐसे धनाढ्य परिवार के लोग इस वर्ग के प्रमुख कहे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है श्रमिक वर्ग। यह वर्ग देश का सबसे बड़ा वर्ग है। श्रमिक वर्गों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। कृषि श्रमिक जो कि खेतीहर मजदूर है और विभिन्न प्रकार के कृषि कार्यों को करके अपना जीवन यापन करते हैं। फिर नेक्स्ट है उद्योग में लगे हुए श्रमिक जो कि कारखानों, खानों, चाय के बगानों और आदि छोटे मोटे उद्योगों में कार्य करते हैं। और तीसरा वर्ग वे श्रमिक इन श्रमिकों का है जो कि इसके अतिरिक्त कार्य करते हैं और मजदूरी करके करते हैं, जैसे कि भवन निर्माण, समर सड़क निर्माण
आदि में लगे हुए श्रमिक है ना, बोझा ढोने वाले श्रमिक है ना, इस प्रकार की मजदूरी करने वाले श्रमिक तीसरे वर्ग के श्रमिक में आते हैं। इस वर्ग के लोग श्रम के बल पर ही अपनी आजीविका कमाते हैं और जीवित रहने के लिए इनको कठिन शारीरिक श्रम करना पड़ता है। फिर और वर्ग है कृषक वर्ग। भारत जैसा कि आप जानते हैं एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 70 से 75% आबादी गाँव में ही रहती है और गाँव में रहने वाले 70% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर होते हैं। कृषक वर्ग में बड़े और छोटे सभी प्रकार के कृषक आते हैं जो कि कृषि कार्य में लगे हुए होते हैं। वैसे तो कृषक वर्ग भारत में प्राचीन काल से ही विद्यमान था, लेकिन वर्तमान समय में कृषि में हरित क्रांति, नवीन खाद, बीज और यंत्रों के प्रयोग के कारण इस वर्ग को भी समृद्धि प्रदान की है और कृषक वर्ग के पुरातन मूल्यों में भी परिवर्तन आया है। और नेक्स्ट वर्ग है व्यापारी वर्ग। इस वर्ग में दलालों, दुकानदारों, थोक और खुदरा व्यापारी गण आते हैं। यह वर्ग उपभोक्ताओं और उत्पादकों के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है और अपना मुनाफा कमाता है। इस वर्ग के लोग जमाखोरी, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट और कृत्रिम अभाव पैदा करने का कार्य भी करते हैं। पैसा अर्जित करने के लिए यह वर्ग नैतिक और अनैतिक सभी प्रकार के तरीके अपनाते हैं। यह वर्ग भी सभी प्रकार की सुविधाओं को से प्राप्त सभी प्रकार की सुविधाएं इस वर्ग के पास में है और ये वर्ग भी अनेक उत्सवों, विवाहों, त्योहारों आदि पर खूब पैसा खर्च करता है। तो देखा बच्चों आपने कि समकालीन भारत में या वर्तमान समय में वर्ग संरचना में भी बहुत से परिवर्तन आ रहे हैं और नई वर्ग व्यवस्था जन्म ले रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ही में भी नए वर्ग पनप रहे हैं है ना, किंतु गांव में वर्ग की तुलना में जाति का प्रभाव आज भी बहुत अधिक है और नगरीय क्षेत्रों में जाति की सीमाओं को लांग करके अनेक वर्ग बनते जा रहे हैं, किंतु फिर भी जाति के प्रभाव पूर्णतया खत्म हो गया हो ऐसा नगरों में भी नहीं दिखाई देता है। आज इतना ही, अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।